कोई भी बात नहीं कर रहा है। साफ तौर पे फाटक यहाँ पर आपको बंद दिखाई देगा और फाटक के बाहर जिस तरह का यहाँ पर भीड़ का एक मजमा यहाँ पर दिखा गया कि बहुत जैसे ये सूचना आती है कि यहाँ पर भीड़ लगी, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, तो यहाँ भीड़ लग गई और भीड़ लगने के बाद जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित होती हुई देखी गई। तो प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँचा और पहुँचने के साथ उन्होंने अपील की और इसके साथ ही विधायक मनु अंसारी ने भी अपील की और लोगों को यहाँ से कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए और लोग इसका पूरी तरह से पालन करते हुए दिखा दे रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। कल कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का यहाँ पर सुपुर्द खाक होगा और जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पूरे गाजीपुर जनपद में, और गाजीपुर ही नहीं अगर बात करें तो गाजीपुर के जो पड़ोसी जनपद हैं वहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखाई देंगे। और अब देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से एक एक चौराहे पर सुरक्षा के इंतजाम थे, तो अब थोड़ा प्लान बदलते हुए जो अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर आपको देखने में आएंगे। और देखिए एक एक चप्पी कहा जा रहा है कि पॉइंट पर कड़ी सुरक्षा यहाँ पर देखी जानी है। और जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर जो स्थिति है कि एक समय वो भी तस्वीर आई थी कि जब ये पूरा इलाका भीड़ से भर गया था, जब ये इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उसके बाद यहाँ पर अपील का दृश्य था, लेकिन इस वक्त आपको कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यानी जिस तरह का यहाँ पर लोगों का मजमा था वो अब पूरी तरह से अपने अपने घरों को जा चुका है और जो शांति व्यवस्था है वो बहाल आपको दिखाई देगी। आप देखिए चारों तरफ आपको उस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर शांति बहाल दिखाई देगी। लोग घरों की ओर जा चुके हैं राम, और साफ तौर पर उन्हें बता दिया गया है, लोगों से अपील भी कर दी गई है और इसके साथ सख्त निर्देश भी हैं कि शांति व्यवस्था की बहाली से मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी अगर आपने कहीं भी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। अब जिस तरह से मुख्तार अंसारी का जो शरीर है, डेड बॉडी है, जब वहां से बांदा से चले गए, समय से वहां पर पहुंच गए, मनु अंसारी ने भी सहयोग किया। और क्या इसके पीछे एक वजह यह भी है कि लोग जानते हैं कि घटना की सूचना जरूर आई है, लेकिन मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी यहां तक पहुंचने में, उनका शव यहां तक पहुंचने में सुबह या सुबह से ज्यादा का वक्त कम से कम लगेगा, क्योंकि अभी तो पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ है, अफजाल अंसारी अभी पहुंचे भी नहीं है, तो लोग ये जानते हैं कि सुबह से पहले यहां ठहरने का भी कोई विशेष मतलब नहीं है। जी राम, ये तो एक बात है, लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी से लोगों का लगाव है, आपसे मैं लगातार जिस तरह से बातें कर रहा हूँ और उसमें मैं जिक्र भी कर रहा था कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी को माफिया नहीं कहते हैं बल्कि मसीहा के तौर पर लेते हैं। मुख्तार अंसारी के पड़ोसी ही नहीं बल्कि पूरा गाजीपुर जनपद मोहम्मदाबाद हर कोई मुख्तार अंसारी को अपने घरेलू लड़के की तरह मानता था, और जब ये सूचना उन तक पहुँची तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आई, लोग कहीं ना कहीं दुखी थे। और जिन लोगों से हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना जताया और कहा कि हम लोग अवाक रह गए कि ऐसी सूचना हम लोगों को मिली, हम घर तक पहुंचे और पहुंचने के साथ वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हुई, हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था है और हम इसका सहयोग कर रहे हैं, लिहाजा सब अपने घर को चले गए। तस्वीरें यहां पर हैं और तस्वीरें आज बेहद खास हैं। देखिए सुरक्षा के जो जवान हैं वो लगातार अपने चहलकदमी किए हुए हैं और बार बार अगर बात करें तो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बार बार यहाँ पर अधिकारी तंत्र चक्रमण कर रहा है, एक एक पॉइंट पर पूरी निगरानी की गई है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की गई, तो सिर्फ अगर बात करें तो गाजीपुर और मोहम्मदाबाद का ये फाटक वाला क्षेत्र नहीं, आपको मैं ये घर दिखा रहा हूँ राम, आप देखिए ये जो सामने ये पूरा घर दिखाई आपको देगा, यही वो घर है, यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर बैठकर मुख्तार अंसारी अपनी सत्ता चलाता था। एक समय वो था, एक वक्त वो था जब इस इलाके में वही आता था जो भाईजान का खास होता था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी कोई नहीं कहता था बल्कि भाईजान के नाम से बुलाता था, यानी मुख्तार अंसारी की दहशत कह लें, इसे इज्जत कह लें, इसे अपनापन कह लें, लेकिन कोई भी मुख्तार अंसारी को उनके नाम से नहीं बुलाता था। तो भाईजान के आप अगर समर्थक हैं तो इस गली में आने के अधिकारी हैं, अगर आप उनके समर्थक नहीं हैं तो इस गली में आपकी एंट्री नहीं है। लोग उसको शक की निगाहों से देखते थे। तो इसी घर से मुख्तार अंसारी ने अपनी सत्ता चलाई, पूरे कहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी दहशत फैलाई, और दहशत फैलाने का आज जो अंत आपके सामने आया वो कहीं ना कहीं अब कई सवाल खड़े करता हुआ भी नज़र आ रहा, और सवाल उनके भाई, उनके परिवार के लोग खड़े कर रहे हैं। बात अगर करें तो एक लेटर भी वायरल हो रहा है और वो लेटर कहीं ना कहीं जो उस लेटर की लाइनें हैं वो भी कई सवाल खड़े कर रही हैं। तो राम आपको बताएं कि दो दिन पहले मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी तो उसमें भी कई आरोप मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए थे, और उन गंभीर आरोपों के बाद अब
आज जब ये घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं वो आरोप भी अपने आप में एक अलग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब अफजाल अंसारी बांदा में पहुंचते हैं पोस्टमार्टम के लिए, जब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पूरे परिवार के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, तो क्या ये आरोप और भी आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ बातें सामने आती हैं, कौन से वो बात है कि अफजाल अंसारी बात करते हैं, क्योंकि परिवार के और लोग तो बातचीत नहीं कर रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि आप एक बार हम प्रयास करते हैं कि जो यहाँ पर अधिकारी तंत्र हैं वो किस तरह से इस पूरी ड्यूटी को मुस्तैद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर बात करें तो 1:45 का वक्त हो चुका है, रात के लगभग 1:45 से ज़्यादा हो चुके हैं, और जो पुलिस का अधिकारी तंत्र है वो लगातार चक्रमण कर रहा है, और चक्रमण करने के साथ एक एक पॉइंट को खुद ही जांच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर आ गए हैं राम, और आने के साथ जो भी ड्यूटी के पॉइंट हैं, देखिए आपको सामने यहाँ पर ड्यूटी के पॉइंट बनाते हुए दिखाई देंगे, और आपको वो जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस के अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी के एक ही पॉइंट को पूरी तरह से मुस्तैदी से यहाँ पर कि आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है। और जिस तरह से मैं लगातार जिक्र भी कर रहा हूँ कि जब डेड बॉडी यहाँ पर आएगी सुपुर्द खाक करने के लिए जाएगी, तो एक एक जगह का पूरा रूट प्लान तैयार किया गया है ताकि सुरक्षा से कहीं भी मजाक होता हुआ दिखाई नहीं दे, सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद दिखे। अगर कल की बात करें तो कल जुमा भी है, जुमे की नमाज होगी, और इसके साथ ही अगर बात करें तो पूरे प्रदेश के लिए खासतौर पर मुख्तार अंसारी की जो अपनी छवि है, कहा जाता है कि उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में है, तो ऐसी स्थिति में जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चैलेंज है, और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की भी गई है। कल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब मुख्तार अंसारी का यहाँ पर शव आएगा, जब डेड बॉडी यहाँ पर आएगी, तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी पूरी तरह से अपनी कमर कस के यहाँ पर प्लान तैयार कर रहा है, और जिस तरह का मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहा था कि रूट प्लान तैयार किया गया है, एक एक पॉइंट पर मुस्तैद किया जाएगा पुलिसकर्मियों को, और इसके साथ ही सादे वेश में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो शव यात्रा के बगल में चले। तो अब जो सुरक्षा का पूरा घेरा है वो उसके लिए पूरा प्लान तैयार कर दिया गया है, और वो पहले रिपोर्टर हैं जो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में सबसे पहले वहां पर पहुंचे हैं, मुख्तार अंसारी के घर के ठीक बाहर। जी न्यूज पहला चैनल है जो वहां पर पहुंचा है जहां मुख्तार अंसारी का घर है, उसके परिवार के लोग रहते हैं, और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर पहले की वो तस्वीरें भी दिखाएं जब यहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, और उनके लिए व्यवस्थाओं को कंट्रोल करना एक चुनौती जैसा था। कुछ देर पहले जब यहां पर काफी भीड़ इकट्ठा थी, फिर पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं क्योंकि उनको सीधे ऑर्डर मिले थे डीजीपी के, डीजीपी को आदेश मिला था मुख्यमंत्री का कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए, धारा 144 लागू है, और विशेष रूप से इस संवेदनशील इलाके में तो ज्यादा भीड़ अगर इकट्ठा हुई। ये जरा देखिए, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और नीतीश मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, वो दूसरी तस्वीर के जरिए हम चाहते हैं कि नीतीश भी फ्रेम में आए, और उनको हम दिखाना चाहते हैं इस वक्त की सिचुएशन क्या है, और अब से लगभग एक घंटे पहले की सिचुएशन क्या थी। ये पुलिस के अधिकारी थे, और ये पुलिस के अधिकारी और वहां के विधायक मनु अंसारी लोगों से अपील कर रहे थे कि यहां पे भीड़ बहुत हो गई है और आपको यहां पे नहीं ठहरना चाहिए, सुबह जो जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचा देंगे। और अब नीतीश इस वक्त मौजूद है, नीतीश जरा दिखाइए इस वक्त की सिचुएशन क्या है। देखिए राम, हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जी, एक वक्त वो था जब यहाँ पर भीड़ भाड़ थी, यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी, यहाँ पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा था, लेकिन इस वक्त आपको कड़ा सुरक्षा घेरा दिखाई देगा, चाक चौबंद सुरक्षा तंत्र दिखाई देगा। और जिस जगह की तस्वीरें आपके सामने थी वो ये जगह थी, यहाँ पर भीड़ भाड़ थी और लोग यहाँ पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। अब आपको यहाँ पर सन्नाटा दिखाई देगा, और इसके साथ पुलिस की गाड़ी दिखाई देगी जो यहाँ पर सुरक्षा तंत्र को झार देती हुई दिखाई देगी। सामने फाटक है, सामने फाटक आपको दिखाई देगा, और ये फाटक अब इस समय बंद है। अंदर परिवार के सदस्य मौजूद हैं जो कि बात करने से बच रहे हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि स्थितियाँ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, लिहाजा आप बात मत करें। इसके साथ अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं राम, आप देखिए, हम इस पूरे इलाके के एक 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 बिंदु की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, ये वो जगह है जो मुख्तार अंसारी के घर की ओर पूरी तरह से लेके आती है। और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाए। देखिए ये मुख्तार अंसारी का ये पूरा घर है,
देखिएगा, आप देखिए अगर आप अगर इसके अंदर के दृश्य की बात करेंगे तो जब फाटक खुलेगा तो थोड़ा अंदर जाएंगे, यानी सहन है, यानी कुछ दूर पैदल आपको चलना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करने के साथ एक सीढ़ी है, सीढ़ी से आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो फिर पीछे की तरफ ये घर है। वो अगर बात करें तो घर के परिवार के सदस्य उधर पूरा अपने रहते हैं, लेकिन हम आपको जिस तरह से पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे थे, देखिए एक पॉइंट जो कि घर का मुख्य पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर आप पहुँचते हैं तो फाटक के पास पहुँचेंगे, और जो सामने ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लोग बैठते थे, और बैठने के साथ जो मीटिंग है उसके लिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र बनाया गया था। चूँकि इनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, रोजाना इस क्षेत्र की समस्याओं का निदान भी करते हैं ये लोग, तो यहाँ पर पीछे बैठ के, यानी घर से अब कोई मतलब नहीं, एक दूसरा क्षेत्र इन्होंने बनाया था और यहाँ पर लोगों के साथ मीटिंग की जाती थी। इसके बाहर आप देख लीजिए सुरक्षा तंत्र तैनात है। जैसा कि राम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, लेकिन जब अपील यहाँ पर हुई तो अपील काफ़ी प्रभावी हुई, और लोगों को वो अपील के बाद कहीं ना कहीं खुद को जागरूक करने में भी मदद मिली। लोग यहाँ पर दुखी जरूर हैं। एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, देखिए मोहम्मदाबाद चौक से अगर आप अंदर आते हैं तो ये रास्ता आपको अंदर लेकर आएगा। इधर बहुत सारी दुकानें हैं, बाजार है आगे, लेकिन इसको भी पूरी तरह से बंद करने का निर्देश है, और कहा गया है कि शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, और ये बाजार भी कल सन्नाटे से भरा होगा। फिर हर तरफ आपको सुरक्षा के पूरे पॉइंट दिखाई देंगे, और एक पॉइंट ये हुआ, और इसके बाद अगर बात करें तो चार पॉइंट इस पूरी गली के आगे आपको दिखाई देगा। बाबूलाल जी और भी तस्वीरें हैं, इधर आइए आप देखिए। इसके अलावा अगर बात करें तो ये एक बाईपास से जुड़ता हुआ ये पूरा एरिया है, और इससे थोड़ी दूर अगर आप पहुँचते हैं, थोड़ा आगे आप पहुँचते हैं तो एक चौक आपको दिखाई देगी, मुख्तार अंसारी के घर की ओर आने वाली ये चौक दिखाई देगी, और इस चौक की ओर जब आप जाएंगे तो ये दुकानें आपको दिखाई देंगी। ये देखें, ये जो दुकानें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारी दुकानें, और कहा जाता था कि डॉन की सुरक्षा का कारण ये दुकानें थी। भाईजान को इन लोगों का अंधक सपोर्ट था, अंधक अगर बात करें तो ये भाईजान के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। ये कहते थे कि भाईजान है तो हम हैं। तो ये देखिए, ये दुकानें आपको सामने दिखाई देंगे, और पूरी तरह से ये दुकानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। अब ये पॉइंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आपको यहाँ पर भी पुलिस का तंत्र तैनात दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर भी जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देंगे। इसके आगे की तस्वीरें भी दिखाइए, बाबूलाल जी जरा आगे आइए। देखिए ये जो रास्ता है, ये आगे जाके जो गाजीपुर की ओर जाने वाली जो रोड है उसको जोड़ता है। आगे से जाएंगे तो बाएं जब जुड़ेगा, यहाँ पर भी पुलिस चक्रमण करती हुई आपको दिखाई देगी। जो लोग बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आएंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, अगर फैलाएंगे तो कार्रवाई होगी। तो ये कुछ पॉइंट है राम।